सो हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब, आई होप कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आज के इस न्यू अपडेटेड वीडियो में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं क्या बताने वाला हूँ, मेरे टाइटल और थंबनेल में देख ही लिया होगा। वैसे बता दूँ कि आज मैं क्या बताने वाला हूँ, तो आज मैं बताने वाला हूँ इंस्टाग्राम अकाउंट को परमानेंट डिलीट कैसे करना है। जी हाँ गाइस, इंस्टाग्राम अकाउंट को परमानेंट डिलीट कैसे करना है, वो भी हो गया है बहुत ही ईजी गाइस। अपडेट करना हो गया, डिलीट करना हो गया बहुत ईजी। तो कैसे करना है मैं इस वीडियो में आप लोगों के बारे में बताने वाला हूँ। तो क्या करना होगा, सबसे पहले अपने फ़ोन के इंस्टाग्राम ऐप को अपडेट कर लेना है। अगर आप लोग का अपडेट नहीं है तो अपडेट करना है। चलिए, तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का घंटी दिख रहा है उसको दबा दीजिएगा। तो चलिए गाइस, बिना समय के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपने फ़ोन के इंस्टाग्राम ऐप को ओपन कर लेना होगा। इंस्टाग्राम ऐप ओपन होने के बाद करना क्या है मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, तो आप लोग इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाइएगा गाइस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपने प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक करके और यहाँ पे ऊपर में थ्री लाइंस दिख रहा है, उस पर सिंपली आप लोग को क्लिक कर लेना होगा। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए थ्रेड का ऑप्शन आ रहा है, इसका मतलब अपडेट है। अगर इसका ऑप्शन नहीं आ रहा है और फर्स्ट नंबर पे सेटिंग्स एंड प्राइवेसी का, इसका मतलब समझिएगा आप लोग का इंस्टाग्राम अपडेट नहीं है। तो जाके अपडेट कर लीजिएगा और अकाउंट डिलीट करना हो जाएगा आप लोग का, आपके लिए बहुत ही आसान। तो क्या करना है मैं आप लोग को बता दूँ, यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे सेटिंग्स एंड प्राइवेसी का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर सिंपली आप लोग को क्लिक कर देना है गाइस। और क्लिक करने के बाद आप लोगों को सिंपली नीचे आ जाना है हेल्प पे। जी हाँ गाइस, हेल्प सेंटर पे। तो यहाँ पे हेल्प पे क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे हेल्प सेंटर यहाँ पे दिखा हुआ चार फोर नंबर पे दिख रहा है हेल्प सेंटर, उस पर सिंपली आप लोगों को क्लिक कर देना है गाइस। क्लिक करने के बाद थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, यहाँ पे लोडिंग हो रहा है गाइस। तो यहाँ पे आप सर्च ही कर लेते हैं यहाँ पे डिलीट अकाउंट। जी हाँ गाइस, डिलीट अकाउंट यहाँ पे आ चुका है फर्स्ट नंबर पे, इसे क्लिक कर लेते हैं गाइस। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिंपली आप लोग को नीचे आ जाना है और यहाँ पे देखिएगा आप लोग को दिखा रहा है यहाँ पे डिलीट कैसे करना है, परमानेंट डिलीट कैसे करना है अकाउंट को। तो ये आप लोग को बताएगा, तो आप लोग देख लीजिए कैसे करना है। तो मैंने यहाँ पे देख लिया और आप लोग को करना क्या है मैं आप लोग को बता दूँ। तो यहाँ पे बैक आ जाना है, इसे डिलीट नहीं होगा गाइस। अपडेट होने के बाद अब हेल्प से डिलीट नहीं होता है और हेल्प से डिलीट करने में बहुत दिक्कतें आती थी, तो डिलीट का ऑप्शन नहीं आता था या वगैरह वगैरह बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते थे। उसको अब करना क्या है तो मैं आप लोग को बता दूँ। तो यहाँ पे सबसे ऊपर में यहाँ पे अकाउंट सेंटर का ऑप्शन दिख रहा है गाइस, अकाउंट सेंटर का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर सिंपली आप लोग को क्लिक कर देना है गाइस। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे करना क्या है, अकाउंट सेंटर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप पर्सनल डिटेल्स का ऑप्शन दिख रहा है। जी हाँ गाइस, पर्सनल डिटेल्स, उस पर सिंपली आप लोग को क्लिक कर देना है गाइस। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे थर्ड नंबर पे अकाउंट्स ऑनरशिप एंड कंट्रोल गाइस, इसको फॉलो करते जाइएगा। वीडियो कोई भी फेक नहीं है, देखिएगा ये लास्ट में ये काम करेगा गाइस। मैं आप लोग को दिखाने 100% ये गारंटी के साथ ये वीडियो मैं बनाने वाला हूँ। तो देखिए गाइस, अकाउंट ऑनरशिप एंड कंट्रोल पे, उस पर सिंपली आप लोग को क्लिक कर देना है गाइस। क्लिक करने के बाद डीएक्टिवेशन और डिलीशन, जी हाँ गाइस, पर देखिए टेम्प्रोरी डीएक्टिवेशन और परमानेंट डिलीट योर अकाउंट, मतलब दोनों चीज़ कर सकते हैं आप। टेम्प्रोरी डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं और अकाउंट को परमानेंट डिलीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, फर्स्ट नंबर क्लिक कर देना है, एक ही ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे जो भी अकाउंट है आपका, इंस्टाग्राम अकाउंट है, उस पर सिंपली आप लोग को क्लिक कर देना है गाइस। क्लिक करने के बाद आप लोग को क्या करना है, आप लोग को डीएक्टिवेट अकाउंट करना है तो फर्स्ट नंबर पर क्लिक कर देना है, और डिलीट अकाउंट परमानेंट डिलीट करना है तो यहाँ पे सेकंड नंबर पर डिलीट अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा है, वो भी देखिएगा। डिलीट अकाउंट इज़ परमानेंट व्हेन डिलीट योर अकाउंट इंस्टाग्राम, योर प्रोफाइल फोटो, लाइक, सब जो कुछ भी है परमानेंट डिलीट हो जाएगा गाइस। फिर इसको मंगा नहीं सकते हैं, इसे डिलीट करके क्लिक कर देना है और कंटिन्यू का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर सिंपली आप लोग को क्लिक कर देना है गाइस। क्लिक करने के बाद आप लोग को कोई सा भी रीज़न एक डालना होगा कि किसके कारण आप इस इंस्टाग्राम आईडी को डिलीट करना चाहते हैं। कोई भी आप डाल सकते हैं, टू मैनी एड्स या कैन फाइंड पीपल टू फॉलो, कुछ भी डाल सकते हैं। तो इसे क्लिक कर देना है और यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर सिंपली आप लोग को क्लिक कर देना है गाइस। क्लिक करने के बाद और एक बार और आप लोग को क्लिक, यहाँ पे बिफोर परमानेंटली लीगल डिलीट अकाउंट यू माइट टू टेक टू आर्टिकल हेल्प। इसके बाद आप लोग को हेल्प सेंटर से आप कोई भी हेल्प ले सकते हैं इसके लिए। तो इसके लिए आप लोग को पहले कंटिन्यू करना होगा, आप डिलीट नहीं हुआ गाइस। यहाँ पे मैं आप लोग का पूरा प्रोसेस आप लोग देख लीजिएगा, उसके बाद ही कुछ आगे कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है गाइस। कंटिन्यू करने के बाद आप लोग को थोड़ी देर वेट करना होगा और उसके बाद आप लोग का पासवर्ड मांग रहा है गाइस। जी हाँ गाइस, पासवर्ड, तो यहाँ पे आप लोग को पासवर्ड देना होगा यहाँ पे इसकी आईडी का। चलिए मैं अपना पासवर्ड दे देता हूँ। तो मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड दे दिया हूँ। उसके बाद आप लोग को कंटिन्यू का ऑप्शन दिख रहा है। जी हाँ गाइस, कंटिन्यू का, इस पर सिंपली आप लोग को क्लिक कर लेना होगा। तो यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन क्लिक कर दिए हैं और यहाँ देखिए गाइस, यहाँ पे थ्री नंबर यहाँ पे ऊपर देखिए लिखा आ रहा है कन्फर्म परमानेंट अकाउंट डिलीशन। यहाँ पे आज का डेट है, वो आज डिलीट करना होगा। तो यहाँ पे डिलीट अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर देते हैं गाइस। थोड़ी देर वेट करते हैं और देखिए गाइस, ये खुद परमानेंट अकाउंट डिलीट हो जाएगा। तो आप लोग को दिखाऊंगा, देखिए गाइस। तो देखिए गाइस, वो हट चुका है और नया मुझे इंस्टाग्राम आईडी बनाने का यहाँ पे ऑप्शन आ गया, तो वो डिलीट हो गया गाइस। तो ऐसे ही प्रोसेस करके आप लोग पूरा इंस्टाग्राम डिलीट कर सकते हैं।
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।